आज सडनली नाइट में क्रेविंग हो रही है संगम को और हम यहाँ आए हैं, है ना। खाइए खाइए, फिर उसके बाद बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। देखो ये मेरे लिए खाना बना दिया चाचा, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ, है ना। हिसाब बराबर, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। शेर इतना सारा खाने के बाद मुझे याद है कि ब्लॉग भी करना था, ज्यादा नहीं खाया हमने। इट वॉज वेरी गुड, है ना। हम अपने घर जाते हुए मोई तो पी लो गाइस। एवरीवन, मेरे पीछे मिक्सी चल रही है। हैप्पी 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 जन्माष्टमी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू माय लड्डू, आई लव यू सो मच। मम्मी हो गया क्या बना रहे हैं? लड्डू, जन्माष्टमी पर लड्डू बन रहा है। मम्मी मुझसे एक्सपेक्ट करोगे आप कि मैं बनाऊं? कोशिश तो कर, मुझसे नहीं होगा। कर क्या कर दे, मुझसे नहीं होगा। ठाकुर जी खुश होंगे। ट्राई करते हैं। की हालत, ये मम्मी ने घर की क्या हालत करी है लड्डू बनाने के लिए। मतलब करण ने भी फास्ट रखा है, सोचो करण ने भी फास्ट रखा, मेरे घर में हर एक इंसान ने फास्ट रखा हुआ है। आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई है यार। और ये बज गए 12। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गए 12। चलो विश करते हैं बर्थडे बॉय को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइज आई कैन सी द स्माइल ऑन हिज फेस। कन्नू ने व्रत रखा था, करण का व्रत सब मिलके खुलवा रहे हैं। क्या पापा क्या कर रहे हो? करण कहता है कि व्रत मैगी से खोलना है। अब कैसा फील कर रहे हो? वेरी गुड। यार भूख लग गया है, भूख लग गया है। ये मम्मी ने बर्थडे बॉय लोगो, करण अपना व्रत मैगी से खोलेगा। जिम, और बहुत एक्साइटिंग चीज है, मेरी स्कूल की फ्रेंड है दिव्या, हम लगभग 2017 में मिले थे आखिरी बार। एंड आई गॉट रेडी, बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने मैंने आज। शी इज़ वेटिंग फॉर मी, आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। तो गाइस करण अवाना का बर्थडे गिफ्ट है बुलेट, बुलेट्स नहीं बुलेट, बाइक मिली है इसको बर्थडे गिफ्ट पे। तो जैसे मैं हेयर कट दिखना चाहिए। ये फुटेज गाइस, मैं पहुंच गई हूं और लेट हो गई हूं। देखिए 15 मिनट लेट हूं मूवी के लिए, मुझे पता है छूट गई होगी थोड़ी। फाइनली मिल गई। हाय बोल। हाय। कितने साल हो गए? बहुत पहले मिले थे 2019। हाँ 19 से अब। चलो मैं दौड़ लगा भाई मूवी के लिए, हम हो गए लेट। Oh my god.
बहुत फनी है, अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम ग्लैड मैं अपने दोस्त के साथ देख रही हूँ ये। तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, वहाँ का म्यूज़िक इतना ऑड है हॉलीवुड टाइप का। थोड़ी सी शॉपिंग डन, मूवी डन, नाउ लंच टाइम। अच्छा बढ़िया कुछ नहीं है, है ना यार। ये वाले में बैठी है तो ये जो छोटे से, इतने गंदे हैं, इतने गंदे। इतनी पढ़ाई स्कूल में कर ली होती तूने। डिनर टाइम, और वैसे बहुत टेस्टी खाना मस्त सर ओसरी का लाना। एक अच्छा है वो, सुन ये टायर। चला आई थिंक रुक तेरी नल मैं चलाती हूँ। अच्छा हाँ इससे चलिए टैप से। भाई आज मैंने सोचा एक पुलर रिक्शा ले लूँ, और मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि अंकल बेचारे फ्री खड़े थे ऐसे परेशान हो रहे थे। तो ये दैट अट्टा मैंने कभी अपने व्लॉग में से नहीं दिखाया। दैट हम यहाँ पे मेरा पुराना घर अंदर था जो मैं बहुत छोटी थी, अब तो हम मार रहे थे। बट यार आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग ना उन लोग रिक्शा वाले अंकल को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। मैं मतलब अच्छी नहीं बन रही हूँ, बट दिस इज़ रियली समथिंग आई फील। और यार ये लोग बहुत कम कर लेते कि मैम आपको ही नहीं, आप 50 की जगह आप 30 रुपये दे देना, आप 20 रुपये दे देना, बस चल लो। तो सोचो यार दे मस्ट बी वेरी नीडी एंड ऑल। और ऐसा तो नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। तो आई नो थोड़ा स्लो है बट मुझे मज़ा आ रहा है इट्स ओके। एंड यार मैं स्कूल जाती थी इसी रास्ते से, घर आती थी इसी रास्ते से। थोड़ा सा अगर आपके आसपास कोई भी पुलर रिक्शा वाले हों प्लीज़ उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया करो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार बैटरी रिक्शा है। और बस मैं भाग रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली सो प्रिटी यार, वाओ। प्राइवेट कॉलेजेस पे कहाँ हैं ऐसे मज़े। रिया लंदन से आई है लेकिन मज़ा मज़ा यही है ब्रो। ऊपर हमने पानी रखा हुआ है, ये ऐसे क्यों पी रहे हैं? पर शायद इन्हें बारिश का पानी अच्छा लगता है। यार ये कितना क्यूट है। Really? मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगा, कितनी बार सुन लिया होगा। उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा। मम्मी सत्संग देखती देखती, मम्मी सो के दिखाना कैसे सोते हो आप। माला करते हो मम्मी, मम्मी पूरा सो रहा जैसे सोते हो नीचे को गर्दन करके। नवाना ने रिकॉर्ड बनाया है इस गाड़ी को भगाता हुआ लाया है भाई। I-20 डीजल में कोई तोड़ ना, मतलब 20 मिनट का रास्ता आज करण ने कितने 8 मिनट में। मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं घर के नीचे हूँ, पर मैं घर के नीचे ना, मैं हूँ बोटानिकल। बोटानिकल से घूमते हुए पहुंचो फिर यहाँ पिक करा तुम्हारे सामने। देखो जो व्लॉग देख रहा है समझने वाला, जो व्लॉग जो भी पर्सन देख रहा है मैं उसके लिए बोलूँ, ये फ्लाई ओवर वाला रास्ता ऐसी 3-3.5 मिनट में पार करा हुआ है मैंने अपनी वेंटो से, ठीक है। अब जिस जो हार वो उड़ के भी आसमान में से गई, प्रैक्टिकली करा हुआ 3-3.5 मिनट में पहुंचूंगा नेट 8 सीधे सेक्टर 71 का रोड जो पड़ता है यहाँ पर पहुंचूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गाड़ी ना भगाए सीट पे लगा के चलाए। हमने हेलमेट पहन रखा था, हेलमेट रखा था। चल बकवास मत कर भाई, आज इसने रिकॉर्ड बना दिया। मेरी क्लास में सोने को थी, उसके बाद मुझे नया स्लॉट लेना पड़ता। वेल डन, क्यों रिकॉर्ड बना? देखो मैं वैसे प्रैक्टिकली अब देख बात कर रहा हूं तुम भगा, अबे चल पका मत, अब जा होगा 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 होगा। बट कोई मेन रीजन था जिस चक्कर में मुझे अब जल्दी निकलना है, मोर निकलना है भाई। देखो लेना नहीं आएगा मुझे, हाँ आ जाऊंगा। मुझे निकलना था 5:10 पे, मुझे कहीं पहुंचना था, इस चक्कर में मैंने गाड़ी दौड़ाई नहीं तो नहीं चला पाता। ठीक है बहुत बढ़िया, चलो मैं जा रही हूँ अपनी क्लास के लिए।
करण का कल बर्थडे है और मैंने और संगम ने ऑलरेडी उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ था छिपा के, मैंने अब निकाला है वो। इतने दिन से करण ढूंढ रहा था कहाँ है क्या है ये छिपा के, हमने ना ऐसे इसको ऐसे रखा हुआ था कि करण को मिले ना, क्योंकि जब संगम यहाँ थी हम चुपके से गए थे और इसे ले आए थे, और वैसे मेनली तो ये संगम की ही पसंद है और ये उसको चाहिए था बहुत टाइम से। बाकी इसे बाद में खोलेंगे जब उसका बर्थडे होगा, मतलब जब हम सेलिब्रेट करेंगे जब तक खोलेंगे।